नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, अपने चैनल पर मैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी व्रत और त्यौहार के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो अगर आपको भी किसी भी व्रत या त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उन सवालों का जवाब देने की, साथ ही मैं कोशिश ये भी करूँगी कि उस पर आपको एक वीडियो बना करके भी भेजूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पंच देवताओं में से एक देवता सूर्य देव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, इसी के साथ आसमान में काले काले बादल भी छा जाएंगे और इन काले बादलों के पीछे हमारे सूर्य देव को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्य देव को जल अर्पित कैसे किया जाए, उन्हें अर्घ कैसे दिया जाए, इस बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में कहा गया है कि सूर्य देव को अर्घ बहुत पसंद है, यानी उनको जल अर्पित करना उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है। लेकिन काफ़ी सारी वजह होती हैं कि हम सूर्य देव को देखकर उनको साक्षात जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा घर पूर्व दिशा में ना होकर किसी और दिशा में हो, साथ ही बादल छाए हों आसमान में। कुछ ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से सूर्य देव को साक्षात अर्घ नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं कि सूर्य देव का एक मुखमंडल की प्रतिमा आप घर में ला सकते हैं, या फिर उनकी एक फ़ोटो भी ला सकते हैं। घर में ही पूर्व दिशा में मुख कर बैठें, जिसमें आप उनकी पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं उनके आगे और मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही सूर्य देव के जो 12 नाम हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनके 12 नामों को लेकर आप उनकी पूजा अर्चना करें। और साथ ही कुछ मंत्र हैं, जैसे कि ओम आदित्याय नमः, और दूसरा मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और इस तरह से पूजा करने के बाद पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित करें। हिंदू पुराण में ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य देव को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बहुत पसंद है। मतलब इस पाठ को करने से, इस स्त्रोत का पाठ करने से भगवान सूर्यदेव बहुत ज़्यादा और जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राम जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी, उससे पहले उन्होंने इसी स्रोत का जाप किया था। दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, बहुत कोशिश करते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर कोई मुकदमा लड़ रहे हैं जिसको जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो ऐसे में आप इस स्रोत का, यानी हृदय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आइए जान लेते हैं कि सूर्य देव को अर्घ कैसे दिया जाए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी तांबे के पात्र की। जल हमेशा तांबे के पात्र में ही दें, चाहे वो ग्लास हो या फिर लोटा हो, जो भी हो, बट वो तांबे का हो। इसके अलावा सफ़ेद और लाल रंग का चंदन जरूर इस्तेमाल करें, और साथ ही लाल फूल, चाहे वो फूल गुड़हल का हो, गुलाब का हो या फिर कोई भी हो, लेकिन लाल फूल आप इस्तेमाल करें पूजा के दौरान। ये सारी चीज़ें जब आप जल अर्पित करते हैं, अपने सीधे हाथ से सूर्य देव को इन सभी चीज़ों को अर्पित करें। साथ ही ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जल खाली होना चाहिए या फिर उसमें कुछ हम मिला सकते हैं। तो इसके लिए आप ये जान लें कि अगर कोई भी औरत है या फिर सुहागिन है या फिर कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर वो जल अर्पित कर रही हैं तो जल में थोड़ी सी हल्दी डालें, और अगर कोई आदमी इस जल को अर्पित कर रहे हैं तो जल में आप पीली सरसों डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ सूर्य देव को अर्घ देने से जुड़ी हुई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करते रहिए, साथ ही लाइक्स की थोड़ी सी कमी हो रही है उसको भी पूरा कर दें सूर्य देव का नाम लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री सूर्य देवाय नमः।